सो हाय फ्रेंड्स, दिन है आज का 9 अक्टूबर और 3 बज चुके हैं। वहाँ के क्लोज होने का टाइम तो हो चुका है वैसे, तो सोचा एक बार आपके साथ एक नया फीचर जो इस टूल का है वो डिस्कस कर लें। तो ऑलमोस्ट सब कुछ वही है, सेम जो हमने पहले डिस्कस किया था इसमें। और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। तो अभी जो इसके अंदर नया जो फीचर है इसके अंदर, जो हमने RTS पहले एक्सप्लेन किया था, RTS के साथ साथ जो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो पहले हमने कंबाइन नहीं किया हुआ था उसका, तो अब हमने कंबाइन कर दिया है। क्योंकि कई लोगों को ये डाउट था कि RTS अगर पॉजिटिव है और सेंटीमेंट अगर ओवरऑल नेगेटिव है तो RTS वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो वो हमने किया हुआ है उसके साथ में। तो उसके साथ साथ ये जो आपका मेन फीचर यहाँ पे जो वॉलिटिलिटी इंडिकेटर जो है यहाँ पे, जो हर टाइम जो स्कैन करता रहता है 200 स्टॉक्स को और आपको रियल टाइम में इन्फॉर्म करता रहता है फर्दर अभी के लिए। जैसे अभी MNM के अंदर 0.3% इसने लास्ट 5 सेकंड के अंदर डाउन मूव दिया है और अभी NTPC है, तो अभी 3% और जो 4.3% 0.4% तो छोटा सा एक वो है, लेकिन फिर भी कई बार सिग्निफिकेंट कई स्टॉक में ड्रास्टिक मूव्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक 1% मूव हो गया है या कोई ड्रॉप आया है उसके अंदर विद वॉल्यूम्स। तो अभी जैसे देखते हैं HDFC आया हुआ है 0.1% ज़्यादा नॉमिनल सा है इसके अंदर, इसने ओवरऑल 200 स्टॉक्स में से अभी जो सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक मूव है वो 0.1% हो, जैसे कि जो कि ज़्यादा नहीं है इसमें। तो इस तरीके के स्टॉक आपके सामने रिफ्लेक्ट होते रहते हैं और आप एट अ मोमेंट आपको इसको लॉन्च चार्ट करके आप इसका रियल चार्ट भी देख सकते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं, जैसे कोई बड़ा मूव तो नहीं है लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो छोटा सा मूव है इसके अंदर, कई बार ये मूव्स बहुत बड़े भी होते हैं, देखते कोई बड़ा मूव आ रहा है या नहीं। तो बस यही एक फीचर है। अगर कोई स्टॉक में अगर कोई इसके अंदर ट्रास्टिक कोई मूव आया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ITC के अंदर आया हुआ है, ITC में अगर एक समय से फोर डेज चार्ट इस तरीके से चार्ट आपको सामने आपके सामने खुल जाएगा। देखिए जैसे मूव इसके अंदर ये है, अच्छा खासा मूव तो नहीं है, 1 रुपये का मूव है, लेकिन कई बार ये आपको बड़े मूव्स भी इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ये रही बात इसके, लेकिन ITC में आप करना क्या है इसके अंदर, आगे डिसाइड कैसे करना है। तो इसके अंदर सीधा सीधा क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर मैक्सिमम लेवल जो है 450 है और सेंटिमेंट इसका नेगेटिव है, नेगेटिव आउटलुक है, रिसेंट डाउन स्विंग इसने दिया है, ओवरऑल सेंटिमेंट भी इसके अंदर नेगेटिव है। रैंक 75th है आउट ऑफ 94 स्टॉक्स, ये 75th रैंक पे इसको इस स्टॉक को रैंक कर रहे हैं। वैसे आज ओवरऑल मार्केट भी नेगेटिव है और आप ये देख सकते हैं कि ट्रेंड भी इसका नेगेटिव ही है, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन इस छोटे से मूव के साथ अगर इसको शॉर्ट करें इससे बेटर है कि लोग कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज का वेट करें। लेकिन कोई ड्रास्टिक कोई भी चेंजेस कोई भी स्टॉक में आते हैं वो आपको एट ए मूवमेंट आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो ये एक नया फीचर है इसके अंदर, ये वाला जो इंटरप्रिटेशन है ये भी आपको मिल जाएगी। कॉल राइटर्स कहाँ पे इसके सबसे ज़्यादा इन्होंने राइट किया है और पुट राइटर्स कहाँ पे ज़्यादा हैं या अपनी पोजीशन को वाइंड अप किया है। नेक्स्ट पेन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, ये आपके ओवरऑल जो भी स्टॉक आपके सामने रिफ्लेक्ट होता है वो स्टॉक की रिलेवेंट डेटा आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है सेम टाइम में, कोई डिले नहीं है इसमें, ये रियल टाइम में काम करता है, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि जो कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट है उसमें अगर हम स्क्रीन करें तो आउट ऑफ 200 स्टॉक्स कौन से वो स्टॉक्स हैं जो अभी सबसे ज़्यादा उस जोन में है, तो ये हमारा ये जो एरिया है यहाँ पे RTS सुप्रीम, लेकिन आज मार्केट नेगेटिव है तो हम लॉन्ग साइड में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो इसने रेड इंडिकेट किया हुआ है इसको पॉजिटिव RTS को भी, तो उसका मतलब है कि अभी अवॉइड करने के लिए ही सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक यहाँ पे ये हो गया, आपके वॉल्यूम गेनर्स यहाँ पे रहते हैं, आप कभी भी कोई भी स्टॉक मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मेरे को डाबर चेक करना है तो मैं डाबर को चेक कर लेता हूँ कि क्या उसके अंदर ओवरऑल क्या सिचुएशन है। तो डाबर के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है और नेगेटिव आउटलुक है, रिसेंट डाउन स्विंग है और ये जो सेकेंड जो टू फैक्टर जो आपका जो वो है क्या कहते हैं सेंटिमेंट है वो भी नेगेटिव है।
और बाकी चीज़ें तो अगर आपने पहले की वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कैसे काम करता है। और वापस आपको इसको ऑटोमेटिक जो वॉलेटिलिटी इंडिकेटर आपको चाहिए मतलब स्क्रीनर चाहिए, तो आप रीसेट कर सकते हैं वापस ही अपनी जगह पर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी स्टॉक हमारे सामने रिफ्लेक्ट हुआ है बजाज फिनसर्व जिसमें अभी 0.2% कम हुआ है। 0.2% तो काफ़ी छोटा वो है लेकिन कई बार ये कई बार आपको 1-2% के आसपास मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है लॉन्ग या शॉर्ट करने की उस स्टॉक को। ठीक है, आप इसके साथ अगर आप इसको स्टॉक की जगह इंडेक्स देखना है तो आप इसको सीधा यहाँ से स्टॉक की जगह आप इसको इंडेक्स पर सेट कर सकते हैं क्योंकि अभी मैंने निफ्टी सेट किया है। निफ्टी के अलावा आप इसको बैंक निफ्टी सेट कर सकते हैं जैसे ओवरऑल निफ्टी का सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है, आरटीएस जो है उसका नेगेटिव है, कॉल राइटिंग ज़्यादा है। कॉल राइटिंग का सीधा सीधा जो इंटरप्रिटेशन है कि आपका मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है तो ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव आउटलुक है। 1900-1500 इसका जो है मोस्ट जो इसका पुट राइटिंग है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो ट्रेंड भी इसका नेगेटिव ही है तो सेम है, इसको बैंक निफ्टी पे सेट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में चेक कर सकते हैं। तो डेटा में कोई लेटेंसी नहीं है, रियल टाइम में डेटा अवेलेबल हो जाता है आपके सामने। उसके अलावा हमने टू रैंकर फीचर आपके सामने पहले भी हमने प्रेजेंट किया था, तो टू रैंकर जो फीचर है ये आपके लिए पूरे मार्केट को एक साथ स्कैन कर देता है मतलब स्टॉक प्राइसेस नहीं टोटल कंक्लूजन जो स्टॉक्स के होते हैं वो आपके सामने इस सिंगल क्लिक के साथ आपके सामने आ जाते हैं। तो फिल्टर आउट करके सामने आपकी जो स्टॉक्स आ जाते हैं फॉर एग्जांपल गेनर जो आज के रेट में जो पूरे मार्केट के अंदर ही तो नॉर्मली अवेलेबल होता डेटा। इसके अलावा बुलिश कौन कौन से स्टॉक्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल एलटी जो है बुलिश है, आज नेगेटिव मार्केट की वजह से नेगेटिव है लेकिन इसके अंदर लॉन्ग पोजिशन ली जा सकती है क्योंकि ये रैंक वन पे है अभी और आगे इसके अच्छे मूव देने के चांसेस है। उसी तरीके से बी सॉफ्ट रैंक टू पे है तो अच्छे स्टॉक के अलावा जो बेयर स्टॉक है वो भी आपके सामने एट ए मोमेंट आपके सामने अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये जो सबसे वर्स्ट स्टॉक्स जो हैं वो है सेल, आईओसी, कोटक बैंक, पीएनबी, रिलायंस, वो डिपेंड जो अभी बेयरिश मोड पर जा चुके हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पर इंक्लूड की जाती है, नॉट इवन कि आपका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड के अलावा पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, आपके बिग प्लेयर्स मूव क्या क्या हैं, कि आपके जो FIIs, DIIs क्या कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, डेटा क्या कह रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसके बेसिस पे इसको इंक्लूड किया जाता है और ये फाइल रियल टाइम में आपकी अपडेट होती रहती है क्योंकि साथ में आपकी ऑप्शन डेटा होता है तो काफ़ी आप श्योरिटी इस चीज़ की होती है कि जो आप जो डिसीजन ले रहे हैं क्या वो गलत है या क्या सही है। कई बार क्या होता है, कई बार टेंप्टिंग लगती है सिचुएशन कि स्टॉक ने 2% मूव दे दिया तो आपको लगता है कि आप शॉर्ट करने का टाइम आ चुका है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके अंदर जो है जो पीछे बैक एंड डेटा जो होता है वो उसके हिसाब से उसको शॉर्ट नहीं लॉन्ग करने का सिग्नल आ रहा होता है इसमें, तो कई बार गलती होती है तो फिर शॉर्ट के बाद आपको शॉर्ट करने की वजह से और कॉन्टैक्ट हो जाता है स्टॉक्स तो आपको मतलब अपनी पोजीशन को कवर अप करना पड़ता है लॉस लेके। ठीक है, ये रहा आपका ये, इसके साथ हमने ये स्टॉक के साथ साथ यहाँ पे ये वेब पेज हमने इसका अभी लॉन्च किया हुआ है जो कि है niftysensex.com। तो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है इसमें तो आपको इसके फीचर जो स्टॉक के हैं वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं बेसिकली क्या क्या इसके पैनल्स का यूज है, टू रैंकर फीचर क्या है, आपका शॉर्ट ट्रेंड कैसे है हम देखते हैं इसमें क्या है इसमें। इसके अलावा इसमें साथ में इसके टेक्निकल्स होते हैं जो एडिशनल जो टेक्निकल्स होते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अभी लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है इसको 1-5 सेकंड के अंदर ही हो जाता है तो ये आपके पास पूरा सेक्टर का हीट मैप आ जाता है इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कौन सी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है कौन सा अंडर परफॉर्मर स्टॉक सेक्टर है आज। साथ में आपको आईवी रिलेवेंट डेटा भी आपको यहाँ सामने मिल जाता है, आप इसको टैब से भी चेक कर सकते हैं कि जो आपको टैब चाहिए यहाँ पे प्राइस बोर्ड क्या देखना है आपको, सेक्टोरियल हीट मैप एडवांस भी है यहाँ पे, सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं अभी, तो जितनी चीजें आपको देखनी है वो सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो टूल तो आपको एडिशनली
आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर है वेबसाइट के अंदर, तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम टैप दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हम कुछ कुछ ब्लॉग भी पोस्ट करते हैं तो वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड अभी लाइव नहीं है, अभी आपको एक्सेल फाइल को ही यूज करना पड़ेगा। कुछ टाइम बाद हम प्लान कर रहे हैं कि उसको अपने वेबसाइट पे लाइव कर दें, ताकि जो भी चाहे जिसके पास वो सिस्टम नहीं है या कोई एक्सेल का एडवांस वर्जन नहीं है, वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता है उसमें, तो वह ऑनलाइन उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ बेसिक फीचर्स, बाकी आप खुद यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी बातें जो है यहाँ पे, आपको जो डाउन ट्रेंड है उसके अंदर आपको लॉन्ग नहीं करनी है पोजिशन को, और जो आउट अप ट्रेंड में जो स्टॉक्स है उसको कभी स्टॉक शॉर्ट नहीं करना है जब तक डेटा पीछे का जो है वो मतलब डायरेक्शन में आपको गाइड नहीं कर देता है। बाकी आप इसको यूज करेंगे तो उसके यूज करने के साथ साथ आपको इसमें क्लैरिटी मिलती जाएगी। बाकी हम आगे और वीडियोस बनाएंगे आपकी डिमांड के ऊपर और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है इसके बेसिस। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा।